राजनीति छोड़ काहे नहीं देते हो, काहे जरूरत है राजनीति में आने की, अगर इतना छोटा सा काम नहीं होता तो काहे वोटरों को परेशान कर रहे हो। ये भाषण मैंने सुना उस व्यक्ति से जो बड़ा साधारण व्यक्ति था। सुनो बहनों भाइयों, अगर मेरा वोट लेना है तो पहले ये तय कर लो कि ईवीएम अच्छा है या नहीं, क्योंकि बाद में आप शिकायत करोगे अगर हार जाओगे कि ईवीएम ही खराब था, ईवीएम में वोट डाला पता नहीं कहां गया, ईवीएम में ये बटन दबाया तो वो आ गया, ईवीएम में गड़बड़ी थी, ईवीएम हैक हो गया, ये तो रिमोट से भी चल जाता है। अरे जब सैटेलाइट रिमोट से यहां से बदल सकता है तो ईवीएम की क्या औकात है? अरे ये तो सैटेलाइट से भी चलता है। जब मोबाइल को बदल सकते हैं, हैक कर सकते हैं, तो ईवीएम क्या है? ईवीएम पहले से ही सेट है, ईवीएम उसके घर में मिला, ईवीएम उसके यहां मिला। मेरे तो मोहल्ले में 400 वोट थे, सारे पड़े, मगर ईवीएम में 4 नहीं आए, मेरा वोट कहां गया? ईवीएम तो एक कंपनी खास बनाती है जो एक पार्टी की कंपनी है, ईवीएम तो बदल दिए गए। ये सारी बातें हारने के बाद हारा हुआ आदमी कहता है, मगर जो व्यक्ति जीत जाता है वो कहता है ईवीएम ठीक था। ईवीएम का विरोध राजनीतिक पार्टी कोई नहीं करती, मगर ईवीएम की चर्चाएं चारों तरफ आती हैं। कोई जन आंदोलन या कोई आंदोलन ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने ये कहा हो कि ईवीएम को बदलो तब हम चुनाव लड़ेंगे, या हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं, या हमारे एरिया में आप ईवीएम से वोट मत डलवाओ, हमारे एरिया में तो कागज से ही डलवाओ, बैलेट से डलवाओ, चाहे भले ही पूरे देश में आप ईवीएम से डलवाओ। कोई व्यक्ति इस बात के लिए, कोई पार्टी इस बात के लिए नहीं कहती कि ईवीएम खराब है या अच्छा है। जीत गए तो चुप हो जाते हैं, हार गए तो रोना रोते हैं। ये दो मुंह बात नहीं चलेंगे। आप जब हारते हो तो ईवीएम को दोष बताते हो, और जीतते हो तो चुप हो जाते हो। भाई आप उसको एक्सेप्ट क्यों करते हो? चुनाव से पहले ही आप कह दो ना कि ईवीएम से चुनाव होगा तो हम खड़े ही नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं, और या हम ईवीएम से अगर जीत भी गए तो हम उसको जीत नहीं मानेंगे। कुछ अपना स्टैंड एक फिक्स करो, क्योंकि आप यहाँ की जनता को, भारत की जनता को, हमारे जैसे लोगों को परेशान मत करो। हमें बड़ा दुख होता है कि जब हम वोट डाल के आते हैं और वोट का परिणाम आता है तो कहते हैं कि भाई जिस मशीन में वोट डाली वो मशीन ही ठीक नहीं थी, ये तो ईवीएम ही गड़बड़ है। पूरी दुनिया में ईवीएम नहीं चलता, भारत में चलता है, क्यों चलता है? ईवीएम को हटाना चाहिए। ईवीएम के बारे में रोज एकाध पोस्ट आ जाती है, ईवीएम हटाना चाहिए। क्यों हटाना चाहिए? जो वोट ले रहे हैं नेता, जिनकी पार्टियां हैं, वो तो कोई बोल नहीं रहा। इसलिए जब आप मेरा वोट लेने आओ तो सबसे पहले ये डिसाइड करके आना कि वोट ईवीएम से लेना है या बैलेट से लेना है। अगर ईवीएम से लेना है तो अपने मुंह को बंद रखना, फिर बाद में हारने जीतने पे ईवीएम को दोष मत देना। और अगर ईवीएम से वोट को नहीं लेना है तो बैलेट लेके आना, फिर कहना जी हमें तो बैलेट से ही वोट चाहिए, तो बैलेट पेपर लेके आना, मगर ये तय पहले करना मेरे दरवाजे पे आने से पहले। और बैलेट आसान हो सकता है क्योंकि बैलेट तो छपता ही है, जो कर्मचारी ड्यूटी पर होते हैं उनके लिए बैलेट छपता है, तो जो लोग बैलेट से वोट डालना चाहते हैं या जिनकी वोट बैलेट से डलवाना चाहते हैं वो बैलेट ले लें, जिनको ईवीएम पसंद है वो ईवीएम से डालें, दोनों तरीके भी हो सकते हैं, मगर इसको डिसाइड पहले करो। चुनाव के बाद चेचे मैं ऐसा लगता है जैसे हारी हुई बिल्ली और खंबे को नोच रही है, खिसिया रही है। ये खिसियाना अच्छा नहीं लगता, हमें अपने वोट की वैल्यू बड़ी खराब लगती है। हम इतने मेहनत से वोट डाल के आए और आपने कह दिया ईवीएम खराब है। भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वोट हमारा किससे लेना है, ईवीएम से लेना है या बैलेट से लेना है, आप तय करो। आप राजनीतिक पार्टियों नेता आपको बनना है, देश आपको चलाना है, और आप में अगर इतना मादा नहीं है कि आप इलेक्शन से पहले ये तय कर सको कि आपको वोट ईवीएम से लेना है या बैलेट से लेना है, तो राजनीति छोड़ काहे नहीं देते हो? काहे जरूरत है राजनीति में आने की? अगर इतना छोटा सा काम नहीं होता तो काहे वोटरों को परेशान कर रहे हो? ये भाषण मैंने सुना उस व्यक्ति से जो बड़ा साधारण व्यक्ति था, बड़ा मस्त बोला वो, शायद उसने थोड़ी सी दारू वारू की रखी होगी, बड़ा परेशान था, बड़ा त्रस्त था, खूब बहनों भाइयों कर रहा था, और फिर कहने लगा
कि मेरा वोट लेना हो तो मेरे दरवाजे पे तय करके आना, बैलेट है तो बैलेट लेके आना और ईवीएम है तो ईवीएम लेके आना, बाद में नहीं करना कुछ भी चर्चा में, ऐसा स्टाइल से वो बोल के गया। तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई आपने चुनाव लड़ना है, जीतना आपने है, तो आप ही तय करो कि आपको वोट किससे लेना है। बाद में अच्छा नहीं लगता, देश की बेइज्जती होती है, वोटरों की बेइज्जती होती है, सबकी बेइज्जती होती है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Kameshu Michchara Virmani Sikkha Padam Smadhyami.